नमस्कार, मैं हूं शेफ निखिल और रस्म रसोई में आप सबका स्वागत करता हूं। ये तो हम सब जानते हैं कि दादी माँ की वंडरफुल कुकिंग का टेस्ट कोई कॉपी नहीं कर सकता, लेकिन इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि दादी माँ जब भी हमारे लिए खाना बनाती हैं, तो दिल में ढेर सारा प्यार होता है। आज हम दादी माँ के खजाने से कुछ ऐसी ही रेसिपीज चुनकर खास आपके लिए लाए हैं। सबसे पहले आपके लिए बनाते हैं नारियल बैंगन। इसके लिए हमें यहाँ पर एक पैन चाहिए, एक बड़ी कढ़ाई। इसकी फ्लेम ऑन कर देता हूँ। चलिए, कढ़ाई अब गर्म हो चुकी है। इसके अंदर डालते हैं कि मूंगफली का तेल, करीब 4 चम्मच, और इसको भी अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं। चलिए, अब ये तेल भी गर्म हो चुका है। अब इसमें डालते हैं सबसे पहले ये पेस्ट। और इस पेस्ट को अब हम भून लेते हैं। इस पेस्ट में 6 चीजें डली हैं। पहले डाला इसमें नारियल करीब 1 बड़ी कटोरी, उसके अंदर 1 प्याज, 4 कलियां लहसुन की, 1 1 इंच का पीस हमने डाला अदरक का, और साथ में डली 3 हरी मिर्च और 2 साबुत लाल मिर्च। अच्छी तरह उसे पीस कर थोड़े पानी के साथ हमने इसका एक कोर्स पेस्ट बना लिया है, यानी कि थोड़ा सा रफ पेस्ट है, स्मूथ नहीं है। ये पेस्ट अब ऑलमोस्ट भुन चुका है। अब इसमें डालते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा ये नारियल का दूध। 1 बड़ी कटोरी इसमें नारियल का दूध डाल दिया है। आप चाहें तो नारियल का दूध घर में ही बना सकते हैं। जो फ्रेश नारियल होता है उसे अच्छी तरह ग्रेट कर लें, मिक्सी में घुमा लें थोड़े से पानी के साथ, और उसे निचोड़ लें तो नारियल का दूध आपको मिल जाएगा। ये देखिए, एक बहुत ही स्मूथ पेस्ट हमारे पास यहाँ तैयार है। और अब आप देख सकते हैं कि मैंने फ्लेम एकदम धीमी कर दी है। चलिए, जब तक ये यहाँ पर पक रहा है तब तक इसमें थोड़ी और स्पाइसेस डाल देते हैं। हमारे पास यहाँ पर है हल्दी, जो हम चुटकी भर डालेंगे बस थोड़ा सा कलर चेंज करने के लिए। और डालते हैं इसमें 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर ये भी करीब 1 चम्मच, और अब स्वाद अनुसार नमक। इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट हमने इसमें डाल दिए हैं। एक मेन इंग्रेडिएंट बचा है और वो है बैंगन, तो वो भी डाल देते हैं। यहां पर मेरे पास करीब 10 से 12 छोटे बैंगन हैं, जिनको मैंने लेंथ वाइज स्लिट कर रखा है। ये लीजिए, बैंगन हमने इसमें डाल दिए। अब इसे अच्छी तरह से कोट कर लेते हैं ताकि बैंगन इसमें अच्छी तरह से रम जाए, इसमें अच्छी तरह से इमर्स हो जाए। अब मैं इसको ढक दूंगा, करीब 10 से 12 मिनट तक इसे पकाएंगे ताकि बैंगन अच्छी तरह टेंडर हो जाए और उसमें स्वाद आ जाए, जो भी हमने इसमें करी डाली है और खासकर जो नारियल का फ्लेवर है वो जड़ तक इस बैंगन में चला जाए। तो 10 से 12 मिनट तक हमें इंतजार करना होगा, लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो हम कर ही सकते हैं एक अच्छे खाने के लिए। यहाँ पूरी रसोई नारियल की खुशबू से महक उठी है। बस अब और इंतजार नहीं होता, जल्दी से इसका ढक्कन उठाते हैं और इसे फिनिश करते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बिल्कुल रुका नहीं जा रहा। आप देख सकते हैं कि ये जो बैंगन है ये अब थोड़े टेंडर हो चुके हैं, और ये जो ग्रेवी है इसके ऊपर कोट हो चुकी है, थोड़ी थिक हो चुकी है। तो अब हम इसे फिनिश कर देते हैं। सबसे पहले डालते हैं इसमें नींबू का रस, करीब 2 चम्मच, थोड़े से पुदीने के पत्ते, और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अब इसे अच्छी तरह मिला देते हैं। ये लीजिए, हमारे पास ये डिश तैयार है। आप इसे किसी भी मौके पर सर्व कर सकते हैं, चाहे तो पार्टीज में या फिर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी। आप चाहें तो इसके साथ रोटी पराठा या नान खा सकते हैं, लेकिन अगर मैं होता तो इसके साथ स्टीम राइस का मजा लेता। जल्दी से इसकी रेसिपी नोट कर लीजिए, नारियल बैंगन। नारियल बैंगन बनाने के लिए आपको चाहिए कटे बैंगन 10 से 12, नारियल का दूध 1 बड़ी कटोरी, नींबू का रस 2 बड़े चम्मच, बारीक कटा हरा धनिया 2 बड़े चम्मच, मूंगफली का तेल 4 बड़े चम्मच, पिसा धनिया 1 छोटा चम्मच, पुदीना 1 छोटा चम्मच, गरम मसाला 1 छोटा चम्मच, हल्दी 1 चुटकी, नमक स्वाद अनुसार। नारियल का मिश्रण बनाने के लिए आपको चाहिए नारियल 1 कटोरी, प्याज 1, अदरक 1 इंच, लहसुन 4 कलियां, हरी मिर्च 3, साबुत लाल मिर्च 2। अब इसे बनाने की विधि नोट करें। एक कढ़ाई में तेल गरम करें, नारियल का तैयार मसाला डालें और भून लें। नारियल का दूध, हल्दी, गरम मसाला, पिसा धनिया और नमक डालकर मिलाएं। बैंगन डालें और पकाएं।
नींबू का रस, पुदीना और हरा धनिया और नमक डालकर मिलाएं। नारियल बैंगन तैयार है।